मैं तेनु प्यार करदा ते तेरे नाल ब्याह करवाना है। कहां घूमना है? कहां? मेनू सुन ना, जट बोला रे बोला रे ओला रे क्या बात है यार, क्या बात है, ये कोई राज है इसके पीछे इतने फैन बेस बनाने का राज, तो भाई बनाने का राज, चलो भाई बनाने का राज। तो यार यहाँ पे सामने ही क्या Hey guys, welcome back, I'm lost. So, तुम कैसे सब बड़े होंगे, सब बड़े होने चाहिए। सो गाइस, नए ब्लॉग की शुरुआत दिन से कर रहे हैं। गाइस, बहुत दिनों के बाद नेहा की कॉल आई है। नेहा ने बोला कि मैंने घूमने जाना है। सो मैंने बोला घूमने जाना है, बोलती मेरा मन कर रहा है, जल्दी जल्दी आ, मैंने मुझे घुमा। मैंने बोला चलो आता हूँ यार, कोई टेंशन ही नहीं है। सो अभी ना छुट्टी करके आया हूँ, कसम से थका हुआ हूँ, तभी भी मैं सोच रहा हूँ चल उसी बहाने ब्लॉग बन जाएगा और आपके साथ इन्जॉय भी हो जाएगा, तो उसी बहाने मैं ब्लॉग बना लूँगा। तो कसम से दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, बाद में थक भी जाता हूँ, तभी ब्लॉग बना रहा हूँ। और जब मैं ब्लॉग बना के अपलोड करता हूँ ना, आप सपोर्ट ही नहीं करते यार, फिर बुरा लगता है कसम से। इतनी मेहनत करने के बाद भी ना, बेशक मैं इतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ, बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़े से कमेंट किया करो यार। हम हमेशा बोलता हूँ व्यू की, मुझे व्यू की कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे टेंशन है कमेंट की, बस कमेंट किया करो और मुझे बताया करो कि किस हिसाब से ब्लॉग चाहिए, मैं उस हिसाब से ब्लॉग करूँगा। सो नेहा बोलती है कि मुझे घुमा, तो मैंने सोचा चल चलते हैं सिद्रावल साइड, क्योंकि उसको मैं सिद्रावल साइड ना लास्ट 6-7 मंथ हो गया, मैं उसको सिद्रावल साइड लेके गया हूँ। सो मैंने उसको बोला चल सिद्रावल साइड चलते हैं, कोई सीन नहीं है, तो पहले नेहा को लेने फिर घुमाते हैं यार। वो भी मेरे से ना हमेशा नाराज़ हो ही जाती है, बोलते हैं तू तो अकेले घूमता है, मुझे नहीं घुमाता है। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को घुमा देता हूँ आज यार। फाइनली गाइस, अभी हम पहुँचा हूँ नेहा के घर पे। नेहा तब से बाहर ही नहीं आई है, देख रहे हो, मैंने उसको बोला कॉल करके बाहर आ जाना, तब से बाहर ही नहीं आ रही है। तो इनके घर पे एक डॉगी या रोली वो भौंक रहा है, उसको पता चलता जब मैं आता हूँ ना, मेरी बाइक की आवाज़ सुन लेता वो, नहीं कब तक आएगी ये, कसम से हमेशा लेट करवाती है। आजा यार आजा, बोलते हो कि इतने घूमने जाना और खुद ही लेट करवाते हो। कब से खड़ा हूँ पता, 5 मिनट हो गए बाहर खड़े हो, कब से बुला रहा हूँ। अभी तो आए, और सुनाओ ठीक हो, कैसे याद आई फिर, कैसे आई थी, मेरे को तो फ़ोन देख के आई थी, आपको कैसे आई, आपने क्या देना है, कहाँ घूमना है, कहाँ, कहीं भी, चल सिद्रा चलते हैं, सिद्रा चलते हैं, क्या शौक क्यों हो रही है, चल चल चल, सूरज डूब जाएगा, चल नहीं तो सूरज डूब गया ना पुलसिया छोड़ेंगे नहीं फिर, तुझे भी पता। हाँ ये पकड़ पहले हेलमेट डाल, नहीं तो मेरा चलान इतने कटेंगे ना, जो तूने चलान, हाँ हाँ 1000-1000 रुपये तूने देने हैं, मैंने होने देने हैं, मैंने देने हैं, दिमाग खराब है, चल हेलमेट डाल, पहले डाल हेलमेट डाल, जल्दी डाल, डाल डाल, क्लिप लगा, हाँ क्या, चल ठीक है, ये फोन पकड़, पॉकेट टाइट है मेरा। गाइस हमेशा हेलमेट नहीं डालती, चल बैठ अब, गाइस हमेशा हेलमेट नहीं डालती, हमेशा, पिछली बार भी चलान इसने कराया था, जब दिखाओ ना चलान इसको, बोलती मैंने हो ना करवाया, खुद गया होगा कहीं पे, जब इसको फोटो बताओ ना फिर बोलती हाँ, संडे की तरह बैठी होती है फिर पीछे, जब इसको फोटो दिखाओ, ऊपर से आज जाना भी सिधरा है, बोलती नहीं डालनी, मैं पागल हूँ जो हेलमेट लेके आया हूँ, पागल हूँ, छोटा सा सिनेमैटिक शॉट बनाते हैं, आप भी इंजॉय करो, हम भी इंजॉय करते हैं, एक छोटा सा सिनेमैटिक शॉट बनाते हैं आईफोन में। सिनेमैटिक शॉट लिया है तो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना उस सिनेमैटिक शॉट के लिए,
बाकी यार अंधेरा हो चुका है, सूरज मामा डूब गया, वो भी तेरी वजह से कसम से। तू लेट करवाती है, एक लड़की का चक्कर है ना, लिपस्टिक पता नहीं क्या क्या लगाने लगाते जाते करते इन्होंने लेट ही करवाना होता है हमेशा। है जाना पड़ेगा क्योंकि शाम हो जाएगी तो फिर अच्छा व्यू भी नहीं मिलेगा सिद्धरवल साइड, सो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि जैसे मैं पहुंच रहा हूँ वैसे ही सिग्नल अप हो जा रहे हैं, सो ये तो बेटर बात है कसम से। मज़ा आ रहा है कसम से वो राइड करने पे, इतना मज़ा आ रहा है कहने की बात नहीं है। हाँ कहाँ जाना है? वेव जाना है? क्यों? यार आगे लेट हो चुके हैं कसम से, वो सूरज मामा पल है डूब के। यार तुम भी पता नहीं क्या करते हो। अब वेव जाना है, जल्दी करना जल्दी, ठीक है? पता नहीं क्या बोल रहे, वेव जाना मां से एक लड़की से मिलने, पता नहीं क्या दिमाग आ गया, लेट हो चुके हैं इतना कसम से, वो बोल रहे वेव जाना वेव जाना वेव जाना वेव जाना। तो चलते हैं पहले वेव, जल्दी जल्दी निपटाना यार, 10 मिनट है, 10 मिनट में जल्दी जल्दी निपटाना, ठीक है? यार आगे इतना लेट हो चुके हैं, पता नहीं क्या बोलती रहती है यार। लड़की है ना लड़की, कसम से कभी भी सकी नहीं है बात पे, एक बात में अटक ही नहीं सकती। पहले बोलती सिद्धरा मैं चलता हूँ राइड करने जाना, अब भी बोल रही है वेव के पास पहुँच के बोल रही है कि हमने वेव जाना 2 मिनट के लिए, कुछ काम है। वेव मॉल कुछ है क्या? है? कुछ है क्या आज? कुछ है क्या आज? पता नहीं गाने चल रहे हैं, कोई आ रहा है क्या? गाइस पता नहीं वेव मॉल में क्या है, देखिए कुछ है क्या, क्या पता कोई आ रहा हो। गाइस पता नहीं क्या चल रहा था वहाँ पे, पहले इसकी मासी की लड़की से मिलते आते हैं फिर उसके बाद देखते हैं बार वाली साइड क्या सीन है। जल्दी मिलना 10 मिनट हमारे पास, और बाहर पता नहीं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बाहर, बाहर कुछ चल रहा है यार, बाहर कोई फंक्शन है देख लेते हैं, अगर फंक्शन हुआ तो फंक्शन देख लेते हैं यार। सिद्धरा अभी रात हो गई है, तूने अंधेरा लगा दिया, अभी अभी 10-15 मिनट तो लगा देगी यहाँ पे मिलने पे। हैं क्या सुनना शुरू किया होगा लेकिन सुनाएंगे कोई बात नहीं, एक बार साथ में बोलेंगे दिल दानी मारो सिद्धू मूसे वाला। ओ 10 पुत तेरा है डिडौन कास्ता भाई, भाई जरूर स्टार्ट करो क्योंकि भाई अर्निंग सब कुछ है, आज जेब में पैसा है तो सारे साथ है, नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा। तो जितने भाई है ना भाई सारे काम करना जरूर स्टार्ट करो, ये नहीं है कि व्लॉगिंग करो कुछ भी करो पर जरूर करना मेरे भाई, एक भाई की छोटे भाई की अपना रिक्वेस्ट समझ लेना है। क्या बात है यार, जोरदार तालियों से हमारे जानू के लिए। एक तो भाई का नाम ही है जानू, उसको निकनेम भी कोई क्या देगा क्या बात है, जोरदार तालियों से जानू के लिए, थैंक यू सो मच जानू, प्लीज यू मे हैव योर सीट नाउ। जिगागन जिला के फिरे गड़ी मारदा, जिगागन जिला के फिरे गड़ी मारदा, ओ तेरे तो होड़नी होड़ी के परा सिरे गिरे कोई मित्र तो शादी। बस इतना ही प्यार है, थोड़ा चिल्ला लो। ए बात क्या बात है, एक बार जानू भाई के नाम की पढ़ को जाए, बस इतना ही प्यार है चिल्ला लो। जोरदार ताली बजा जानू भाई के लिए यार, कम ऑन मेनू सुनता जट बोला रे ओला रे आई एम डेफ।
नमूना पसंद। कब से खड़ी है तू? हम ऐसे ही आए थे कसम से, मिलने के लिए आए थे, पर हमने सीधा ही आना है। वो सीधा देख रहा, रात हो चुकी है, सीधा कैसे जाना मुझे कुछ पता नहीं है। जाना सीधा हमको यहाँ पर जगह, हम क्यों कौन आ रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पे करवा रहा है? तो यहाँ पे गिप्पी करवा रहा है, हमको पता नहीं था। ज्वाइन कर चुके हैं गिप्पी करवाल को, बिल्कुल सर। आप कहाँ खड़े हैं? और एक बार किसकी सपोर्ट से खड़े हो आप? खड़े हो सकते हो? देखना ये कैसे खड़ी होगी, ये देख रहे हो छोटी है ना ये, ये देखो ये चेक कर रहे हो कैसे खड़ी है ये। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा क्यों? ये देख रहे हो खुशी करके जी आप। चाचा तो है नी, मुल्क नचेगा अज। बहुत छेती सोच रहे थे इतने फिल्म बनाई एक हमने काला कोट टाइम ही नहीं पाया, रीठे नाल धो के पाया। क्या बात है, चढ़ दिया गला चा चक चक दो फटे। वाहेगुरु बहुत कृपा कर तुहाडे ते। क्या बात है, वैसे बिन्नू बाजी जम्मू वाले ना बोल भी रहे थे, कहते बिन्नू बाजी पहली बार दूसरी बार तीसरी बार इतनी जल्दी आ गए जैसे मतलब जम्मू का ना अपना निहाल बना लिया अपना। तो जम्मू के लिए इतना प्यार? नहीं बहुत प्यार, बहुत प्यार। तुसी इतना प्यार तो नहीं, रिफ्लेक्शन है तुहाडे प्यार दी, जिउंदे रहो इतना प्यार देने लई, इतना मुहब्बत देने लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। बीनू होनी साडी फिल्म है, किहड़े किहड़े जाणगे भाई, मौजी मौजा देखना। चढ़ दी अगला, जिउंदे रहो जिउंदे रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। थोड़े लिए असी आज की फिर कुछ लेके आए हैं, यह मौजा ही मौजा दी आर्टिस्टा ने। किसको चाहिए, किस किस को चाहिए, हाथ ऊपर कर दो। नाल नाल थोनू गाना भी सुनाने हैं अमर, फिर तो ट्रैक हाँ जी। अभी हम ऊपर आ चुके हैं, इतना क्राउड था, इतना क्राउड था कहने की बात नहीं है। सो ये चेक कर रहे हो, अभी कुछ भूख लगी है नेहा, मोरी भूख लगी है नेहा, सीधा जाना नहीं जाना सीधा मेरा देखो बात। आया हुआ था इधर गया, इसको पता ही नहीं था। मैंने बताया इसको, मैंने बोला जानू भी आया हुआ है, जब मैंने इसको देखा ना मैंने बोला शौक हो गया। पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि वो आने वाला है, जब वो आया ना शौक हो गया यार मुझे तो, हमको पता ही नहीं था कि आज इवेंट है ना। तो अभी सोने पे नहीं, पहली बात हमने 3 घंटे वेट किया और वो 5-10 मिनट में चले भी गया, इतनी जल्दी तो ऐड भी खत्म नहीं होती थी। बोलता 4 मिनट 4 मिनट पकलोड़ी बोलता 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट उसका खत्म नहीं हुए थे। 8:30 बजे आए हैं ये और 8:40 पे चले गए हैं, टोटल 10 मिनट रहे हैं ये। हैं इससे लंबी तो टीवी की ऐड होती है, इससे लंबी तो टीवी की ऐड होती है। सही बात बोली यार, इससे थिएटर का इंटरवल होता है इससे लंबा है ना, बस 2-3 t-shirts फेंकी है और चले गए हैं। अगर टी शर्ट देनी थी या कुछ चंद ना बंदों को दे देते उठा उठा के फेंक फेंक के ना, उधर से बंदा इतना करोड़ था ना, किसी को लग भी चुकी है, 2-3 बंदों को लगी भी है ना। ऐसे मत फेंका करो यार, टी शर्ट देनी भी है किसी को दो यार, जिसको जरूरतमंद हो उसको टी शर्ट दो, ऐसे फेंक के क्या फ़ायदा यार, करोड़ में ना लगती है किसी को। आप बस फेंक देते हो, अगले बंदे को पता ही नहीं चलता कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी हमने ऑर्डर कर दिया KFC से, क्या किया है नहीं पता, खाने वाके पता है ना क्या खाना है, चिकन लेग पीस क्या खाना है पता नहीं। तो कब से ऑर्डर किया हुआ, कब से मैं सोच रहा ब्लॉग शुरू ही कर लूँ आपके लिए, बता ही दूँ हमने किया है। हमने क्या किया, अनलिमिटेड सेविंग बकेट किया हुआ है, उसमें रहेंगे 14 पीस, तो ये 14 का 14 खाएगी, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ अल्टीमेट बकेट ये किया हुआ है, कब आएगा फ्राइज देख रहे हो अनु कैसे आ रहा है फिर। हेलो कैसे हो, क्या लेके आए?
भूख हड़ताल। भूख लगी थी? हाँ भूख लगी थी। क्या गाया? भूख हड़ताल। पिछली बार तो ज्यादा थे, इस बार कम क्यों दिए इन्होंने? क्योंकि पिछले बार पैसे ज्यादा दिए थे यार। देखना इस बार छोटे छोटे पीस दे दिए यार। GST भी काटा इन्होंने, छोटे छोटे पीस दे दिए। चलिए गाइस अभी हम ब्लॉग को एंड करें यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, खा के थक चुके हैं। तो हम जा रहे हैं घर पे, सो जल्दी इसको घर पे ड्रॉप करना है, और मैंने भी जाना घर पे। सो घर से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी आ जा। सो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम इतना हो गया, देख रहे हो 10 बजने वाले हैं। सो जल्दी जाते हैं घर पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।